नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं ओडिशा का हूं, मेरा नाम राम भाई है और यहां ओडिशा के गंजाम जिले में मेरा गांव का नाम रामगिरी है। कितने सालों से जुड़े बापू से? बापू जी से मैं 15-16 साल से गुरु जी से दीक्षा लिया और इन सेवा कार्यों में लगा हूँ। क्या देखा था संत आसाराम जी बापू में के उनसे जुड़े थे? बापू जी के दरबार में, बापू जी के द्वार पर मुझे एक निगुरा आदमी साथ में ले गया था और मैंने जब आश्रम का वातावरण देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वहाँ से स्टॉल से कई सतसाहित्य मैंने खरीद लिया। जब सतसाहित्य मैंने पढ़ा तो मैं उन सतसाहित्य के प्रति प्रभावित तो हो गया। फिर मेरे मन में ये प्यास जगी कि मैं कब गुरु जी कब आएंगे, पूज्य आसाराम जी बापू में उनसे दीक्षा ग्रहण करूं। ऐसी मेरी प्यास बढ़ गई और जब बापू जी से मेरे को दीक्षा मिला तो मैं खूब आनंदित तो हूँ। मेरे पास बहुत सारे व्यसन भी था, शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, मसाला, लेकिन लोग बोलते हैं कि वहाँ जाने से छूट जाता है। लेकिन मैंने गुरु जी से जब दीक्षा लिया उसके दूसरे दिन मेरे सारे जो भी नशीला द्रव्य था वो सब छूट गया। अब आज मैं आनंदित तो हूँ, मेरे गुरु साक्षात ईश्वर है, उसमें मेरे कोई शंका नहीं मेरे मन में। लेकिन बापू, तो आपके गुरु जी तो जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उन पे काफ़ी आरोप लगे, क्या कहोगे उस विषय में? देखिए, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विश्व का कल्याण चाहते हैं, समाज का, देश का सदा भला चाहते हैं। जो प्रशासन नहीं कर पाता गुरु जी के दृष्टि मात्र के, अधम से भी अधम मनुष्य सुधर जाता है। और मैं यही कहूँगा कि मेरे बापू निर्दोष थे, अब है, बाद में भी निर्दोष ही रहेंगे। मेरे मन में आज तक जितने भी चैनल वालों ने दिखाया, मैं भी कभी कभी टीवी चैनल पर देखता था तो मैं उस बात को एक भी मेरे अंदर भरता नहीं था कि इस पूरा का पूरा झूठा है, इसमें कोई सत्य है नहीं। आपने बताया काफ़ी टीवी चैनलों में आपने बापू का कुरु प्रचार देखा, इतने आरोप लगे, आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, उसके बाद भी आप उनसे जुड़े हो, तो क्या कारण है उसके पीछे का? इसका यही कारण है कि मेरे गुरु जी, मैंने भगवद गीता में पढ़ा कि जो आत्मज्ञान है, आत्म तत्व है, उसको पाने के बाद इसके आगे और ही पाने का कोई बाकी नहीं रहता। और मेरे गुरुदेव ने ऐसा परम तत्व को उपलब्ध हुए, ऐसा परम तत्व को पाया कि ऐसा ज्ञानी इस घोर कलिकाल में मिलना संभव नहीं है। और मैंने जब गुरु जी ने हमको मार्ग बताया साधना भक्ति, उसमें हम जब चले तो हमारे गुरु हमको साक्षात ईश्वर लगते हैं और गुरु जी के सानिध्य में जब हम बैठते हैं, जप ध्यान करते हैं, हमारे आंखों से भाव के आंसू आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरा श्वास जब तक चले तब तक मैं मेरे गुरु के चरणों में दास बनकर रहूं, मैं उनसे कभी विमुख नहीं हूँ। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि ये तो एक अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे उसके विषय में? मैंने यही कहूँगा कि जिन्होंने गुरु चरणों में नहीं पहुँचा, जिन्होंने ज्ञान रूपी नाव में बैठा नहीं, तो उनको ये विश्व में क्या पता चलेगा। और हमने गुरु जी के सानिध्य का लाभ लिया, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का दृष्टि हम पर पड़ा तो हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, उनको क्या पता। लेकिन वो तो लोग बोलते हैं कि यहाँ तो गलत होता है, क्या कहोगे उनको? आश्रम के अंदर आज ही मैंने यहाँ पर केसरापुली आश्रम में मैं खड़ा हूँ। आश्रम जो कि केसरापुली है, वहाँ के लोग आज आए थे सुबह, उन्होंने खुद बोला कि इस जगह पर धूल उड़ता था, जानवर घूम रहे थे, क्या क्या यहाँ पर हो रहा था, लेकिन आज ये कि ये तपोस्थली इतना पवित्र स्थली है कि हम लोगों का बार बार यहाँ आने की इच्छा होता है। यहाँ पर कोई गलत नहीं, इतना पवित्र वातावरण है यहाँ पर, अभी भी वातावरण, आज हजारों लोग यहाँ पुनः में आए थे, बहुत शांति आनंद हमारे पूज्य सतीश भाई जी के सानिध्य में लाभ लिया। क्या मांग करोगे सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि सरकार ऐसे संत महापुरुष के साथ कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, उनको जल्दी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष के द्वारा देश और इस समाज का कल्याण होता है और देशवासी सही मार्ग पर चल सकते हैं। आपने देखा कि बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई।
भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरा मैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, उड़ीसा से रफ्तार न्यूज। नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।